नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और 10 मिनट में बनने वाली एक पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से पुलाव को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो आज के मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1.5 कप बासमती चावल। चावल को अच्छे से 3-4 बार साफ पानी से धोया और उसके बाद मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। और चाहिए हमें 1 कप मटर। तो चलिए शुरू करते और आज के लाइक का गोल रखते 1000। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे 3 चम्मच घी और घी को हम पहले गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। घी गरम हो जाने के बाद हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 14 से 15 हम डालेंगे ब्लैक पेपर और 4 डालेंगे हम लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ते को हम छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल देंगे और 20 से 22 हम डालेंगे काजू। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और काजू के हल्का कलर चेंज हो जाने तक हम फ्राई कर लेंगे। काजू का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक को ग्रेट करके। अदरक डालने के बाद हम हल्का और फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे 4 हरी मिर्च बीच में से जीरा लगा के। आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ा करके भी डाल सकती हूँ। सब चीज़ें जैसे हमारा फ्राई हो जाए हम डाल देंगे मटर और डालेंगे चावल। चावल को मैंने छान लिया है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। चावल डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और 2 मिनट अच्छे से पहले भून लेंगे। भून के कोई भी पुलाव अगर आप बनाते हो तो एक एक चावल के दाने हमारा खिला खिला रहते हैं, एकदम चिपचिपाहट नहीं रहते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें भून लेना है। डाल दिया है नमक स्वादानुसार। फ्रेंड्स, अगर आप आज की रेसिपी ट्राई करते हो घर में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। 2 मिनट मैंने चावल डालने के बाद अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम डालेंगे पानी। तो 1.5 कप हमने यहाँ पे लिया था चावल और पानी हम डालेंगे 2.5 कप। और चावल को हमने भिगो के रखा था इसलिए पानी हम 1/2 कप कम डालेंगे, यानी 3 कप की जगह 2.5 कप पानी डालेंगे। जिस कटोरी या कप से आप चावल नापे उसी कटोरी से आपको पानी लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और एक पहले बॉयल आने देंगे। जैसे ही पुलाव में हमारा एक बॉयल आ जाए हम गैस का फ्लेम लो मीडियम करके ढक देंगे 8 मिनट के लिए। 8 मिनट बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। 8 मिनट बाद एक बार हम चेक करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। एक बार हम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से और फिर गैस का फ्लेम पूरी तरीके से हम लो करेंगे और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। एक बार आप इस तरीके से मटर पुलाव बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ढक दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद पुलाव हमारा रेडी है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और पैन को हम कवर करके रखेंगे 4-5 मिनट, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो 5 मिनट बाद हम पुलाव को सर्व कर लेंगे और आप देख सकते हो पुलाव का एक एक जो चावल का दाना है अलग अलग है, एकदम खिला खिला। तो पुलाव हमारा रेडी है, हम पुलाव को सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। और ये पुलाव जब तक आप एक बार बना के नहीं खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुआ है।
तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।